Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6th class, in continuation to the completion of exercises of the lesson in general science, garbage in garbage out, आज हम क्वेश्चन नंबर जो है हमारा पांच हम करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर चार. तीन क्वेश्चन हमने इसमें किए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर चार करने जा रहे हैं. तो यहां पर आपका क्वेश्चन जो है पेज नंबर 162 पर, कलेक्ट पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे किस्म के पेपर होते हैं, मसलन हमारे पास होता है ये न्यूज़पेपर, हमारे पास होता है मैगजीन का पेपर, इसी तरीके से हमारे पास होता है पेपर ऑफ बुक्स, जो हमारे पास बुक्स है इनके पेपर वगैरह. ये क्वेश्चन नंबर फाइव है, ये क्वेश्चन नंबर फोर है. क्वेश्चन नंबर फोर में आपका है आपके आप मुख्तलिफ पीसेज ऑफ पेपर कलेक्ट करते हैं, तो उसमें से आपने देखना है कि कौन कौन सा पेपर जो है वो रिसाइकल हो सकता है. इसमें रिसाइकल हो सकता है हमारे न्यूज पेपर का, मैगजीन पेपर का, या पेपर ऑफ बुक्स. इस चीज को हम रिसाइकल कर सकते हैं. इसका बी पार्ट ये तो था, ए पार्ट. इसका बी पार्ट जो है, विद द हेल्प ऑफ लेंस लुक एट अ पीस ऑफ, आप एक लेंस लाएंगे, उसके बाद इन जो पीसेस आपने कलेक्ट किए उनमें आप देखेंगे इस लेंस से कि ये जो आपने ये वाले पेपर जो आपने न्यूज पेपर, मैगजीन पेपर, पेपर ऑफ बुक्स वगैरह जो आपने कलेक्ट किए, डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल्ड पेपर एंड न्यू शीट्स ऑफ पेपर. अगर हमने रिसाइकल पेपर किया, और हमारे पास दो किस्म के पेपर है, एक तो रिसाइकल जो हमने किया, और दूसरा हमारे पास जो फ्रेश पेपर है, शीट्स ऑफ पेपर जो है, जो न्यू शीट्स ऑफ पेपर है, तो इसमें आपने देखना कि डिफरेंस क्या है. डिफरेंस यह है कि जो रिसाइकल जिस पेपर की सरफेस है, सरफेस ऑफ रिसाइकल पेपर इज रफ, इसमें रफ सरफेस होती है जो रिसाइकल हम पेपर करते हैं, वाइल जो न्यू शीट्स ऑफ पेपर सरफेस ऑफ न्यू शीट्स ऑफ पेपर इज स्मूथ, बहुत स्मूथ होता है, साफ होता है, जबकि उसमें जो रिसाइकल होता है उसमें रफ होता है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फाइव. ये फोर, नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव 163 पेज पर है. कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटीरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप्स. आप पैकेजिंग मटीरियल्स को कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटीरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड. क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड, डिस्कस. तो हमने पैकिंग जो मटेरियल देखना है, क्या क्या हमारे पास, हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल में होता है. क्वेश्चन नंबर फाइव का ये पार्ट, पैकेजिंग मटेरियल हमारे पास होता है थर्मोकॉल, होम शीट्स होते हैं हमारे पास, कार्डबोर्ड होते हैं, शाइनी पेपर होता है. ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और यूज्ड टू प्रोटेक्ट आर्टिकल्स, जो हमारे पास सामान होता है उस सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं. नाउ इसका बी पार्ट हम देखेंगे. गिवन एग्जांपल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड, किस चीज में हम पैकेजिंग रिड्यूस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम टॉयज में, टॉयज, इसी तरीके से हमारे पास है क्लोथ्स है, टॉयज क्लोथ्स, इसी तरीके से हम शू शूज एक्स्ट्रा, यहां पर लिखे गए इन टॉयज क्लोथ्स शूज एक्स्ट्रा,
कैजन कैंगर रोस्ट, इन चीजों में हम रिड्यूस कर सकते हैं। राइट स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। आपको ये बताना है कि पैकेजिंग से ये हमारे थोड़ा ऐसे टाइप का लिखना है, पैकेजिंग इंक्रीज करता कैसे करता है दिस अमाउंट ऑफ गार्बेज। कश्मीर पर मानते तो छोट कित पड़ा एम पैकेजिंग मटीरियल से। क्वेश्चन नंबर फाइव का सी पार्ट, पैकेजिंग मटेरियल्स, या हम ऐसे करेंगे वो यूज हम इस्तेमाल करते हैं, वो यूज पैकेजिंग मटेरियल्स सच एज पेपर कटिंग्स, पेपर कटिंग्स, जूट, क्लोथ्स, या इसी तरीके से थर्माकोल, कार्डबोर्ड, इसी तरीके से क्या आता है कार्डबोर्ड के साथ ये एंड अदर मटेरियल्स टू प्रोटेक्ट डिफरेंट आर्टिकल्स, देन वी थ्रू दीज थिंग्स इनटू डस्टबिन्स। डस्टबिन्स में हम इसको फेंकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा हम लिखेंगे दिस इंक्रीज द गार्बेज, दिस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज, इससे गार्बेज जो है इनक्रीज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का है, डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, व्हाई? कंपोस्ट केमिकल फर्टिलाइजर से कंपोस्ट क्यों यूजफुल है, तो यही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कंपोस्ट, पहली बात जो है कंपोस्ट होता है इट इज इको फ्रेंडली, इसमें जो मटेरियल होता है वो बायोडिग्रेडेबल है, इसमें नबाती खाद बन जाती है। तो इस तरीके से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उससे क्या है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर आफ्टर यूज व्हेन वी यूज देम आफ्टर दैट इट गोज इनटू द वाटर बॉडीज में चला जाता है, या जमीन को भी खराब करता है, पानी को भी प्रदूषित करता है। तो इससे बेहतर है कंपोस्ट। कंपोस्ट में क्या होता है, कंपोस्ट जो है इट इज इको फ्रेंडली, कंपोस्ट इज इको फ्रेंडली। इट इज बायो डिग्रेडेबल एंड इट ऑल्सो reduces the garbage, ये garbage को भी reduce वगैरह करता है, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम recycling करते हैं। recycling के बाद इसमें क्या बन जाता है, नबाती का recycle इसमें इस तरीके से होता है, हम जो garbage वगैरह जो होता है, जो हमारे पास वो चीजें होते हैं जो biodegradable में waste होता है, वो हम कंपोस्ट पिट में डालते हैं। तो इसके बाद इसमें क्या बनता है, इसके बाद इसमें बनता है इट इज कन्वर्टेड टू मैन्योर। तो मैन्योर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
तो दिस वाज योर एक्सरसाइज ऑफ द लेसन गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आप इसको फिर से दोहराइएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा।